पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के प्रमाणिक प्रतिनिधि धीरशान दास अब नहीं कहे जाएंगे। इस्कॉन भारत के ब्यूरो सदस्य और जनरल सेक्रेटरी देवकीनंदन दास ने पत्र जारी करके स्पष्ट किया है कि धीरशान दास का इस्कॉन से अब कोई लेना देना नहीं है। वो अब इस्कॉन के प्रचारक नहीं है। इस संबंध में मुरादाबाद आशियाना स्थित इस्कॉन केंद्र के प्रबंधक उज्ज्वल सुंदर दास ने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी है। इनके अलावा महामुनि दास भी इस्कॉन के प्रमाणिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। उज्ज्वल सुंदर दास ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस्कॉन के नाम पर कथा आयोजन से प्राप्त धन सोसाइटी में जमा होना चाहिए, लेकिन धीरशान दास की ओर से कथा आयोजन से प्राप्त धनराशि सोसाइटी के पास जमा नहीं हो रही है। इस्कॉन के सदस्यों के बीच विवाद के चलते रविवार को जगन्नाथ यात्रा भी नहीं निकाली गयी। धीरशान दास का कहना है कि वो 30 साल से मुरादाबाद में इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं। आशियाना स्थित इस्कॉन केंद्र के सदस्यों ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट की है, इस कारण जगन्नाथ यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि जो है कि अभी कल जो है कि 3 जुलाई को रथ यात्रा होने जा रही है यहाँ पे, जो कि रथ यात्रा ये जो है कि रथ यहाँ के जो स्थानीय जो भक्त लोग हैं वो लोग मिलकर के निकाल रहे हैं रथ यात्रा यूथ फोरम के नाम से, जो कि इस्कॉन का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो इस्कॉन के ही लोग हैं। जैसे मुख्य रूप से इसमें जो है कि धीर शांत प्रभु हैं और महामुनि प्रभु, अगर कई सारे लोग हैं इसमें जो कि इसे कर रहे हैं, जो कि हम लोग अभी 17 अप्रैल 2022 को ये रथ यात्रा कर चुके हैं, तो आपको ये उचित नहीं बनता है कि दूसरी रथ यात्रा निकाली जाए। तो इनके लिए और दूसरी बात ये भी है कि ये लोग जो कार्य करते हैं यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार अपने व्यक्तिगत हित के लिए कर रहे हैं, न कि संस्था के लिए कर रहे हैं। और जो भी डोनेशन आता है न कि संस्था में आता है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग करते हैं। तो ये लेटर हमारे पास आ गया था ये 24 मई 2022 को, ये इस्कॉन जोनल सेक्रेटरी से मुंबई से ये लेटर जारी हो चुका है और इन लोगों को दोनों लोगों को इस्कॉन से निष्कासित किया जा चुका है। तो ये आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर में दिखा रहा हूँ आपको, और श्रीमान धीर शांत प्रभु और श्रीमान महामुनि प्रभु लोग, ये लोग दोनों लोग इस्कॉन से निष्कासित किए जा रहे हैं, उनको निकाला जा चुका है। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया ताकि जनता जो है कि दिग्भ्रमित ना हो, सही जगह लोगों का डोनेशन आए और सही जगह से तरीके से हम लोग धर्म का प्रचार करें। यदि ये इसी तरीके से फिर भी काम करते हैं तो फिर संस्था के द्वारा क्या किया जाएगा? हाँ, फिर कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रशासन को, हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर प्रशासन को भी हम इन्फॉर्म करेंगे और सारे मीडिया माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि ये लोग इस्कॉन से निष्कासित किए जा चुके हैं। कृपया करके इस्कॉन के नाम पर इनको जो है कि कोई भी डोनेशन या कोई भी कार्य न करें इस्कॉन के लिए। जी, मेरा नाम उज्ज्वल सुंदर दास है, मैं यहाँ पर इस्कॉन मुरादाबाद में सेंटर मैनेजर हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।